हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज है सैटरडे और हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए। और अभी हम लोग बस अभी अभी घर से निकले हैं और ऑन द वे हैं। और अभी रास्ते में ना हमें ट्रैफिक मिला था, तो देखते हैं आगे कितना ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे ना सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और आज वैसे ही धनतेरस का दिन है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ मिल रही है रोड पर। तो एक बार हाईवे पकड़ लें हम लोग, उसके बाद तो सब बढ़िया हो जाएगा। और हम लोग ब्रेकफास्ट भी हाईवे पे ही करेंगे। और ये पतिदेव अभी हम फ़िलहाल गुड़गांव पहुंच चुके हैं और गुड़गांव से हम सीधा पकड़ेंगे जयपुर हाईवे के लिए। और दिल्ली से जो जयपुर का डिस्टेंस है वो अराउंड 280 किलोमीटर्स है। और अगर आप बाय रोड जाएं तो अराउंड 6 आवर्स लग जाते हैं बाय रोड जाने से। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो एग्ज़ैक्ट 4 आवर्स लगते हैं। तो दिल्ली से एक ट्रेन जाती है जो कि है डबल डेकर, वो आपको एग्ज़ैक्ट 4 आवर्स में पहुँचा देती है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो उसके जो टाइमिंग्स है ट्रेन के, वो शाम को होते हैं। दिल्ली से 6 बजे की ट्रेन होती है, अराउंड 10 बजे आपको वो जयपुर पहुंचा देती है। तो पूरे 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे एक भैया हैं जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो हम उनको पिक करने के लिए आए हैं गुड़गांव। अब हम उनको पिक करके अब आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ऑल ओवर ये जर्नी मुझे बाय रोड बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो बाय ट्रेन भी बहुत ही कंफर्टेबल होती है और एकदम एग्जैक्ट टाइम में आपको पहुंचा देती है। और बहुत ही सेफ़ जर्नी होती है ट्रेन की। तो यहाँ पे रास्ते में हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट्स लिए है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकते हैं, ब्रेक लेते हुए जाते हैं, क्योंकि लगातार ड्राइव करना भी पॉसिबल नहीं है और थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट ली है। उसके बाद आगे जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में हम हाईवे पर कोई भी हमको ढाबा वगैरह मिलता है, तो ढाबा क्या रेस्टोरेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग रुकते हैं। तो हम लोग रास्ते में रुके हैं ओल्ड राव पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर की थी लस्सी। उसके बाद हम हमेशा यहाँ पे तंदूरी पराठे खाते हैं, तो हमने ऑर्डर किया था आलू और प्याज का तंदूरी पराठा विद वाइट मक्खन, और इसके साथ अचार वगैरह सर्व करते हैं। और उसके बाद हम आगे अपनी जर्नी के लिए निकल चुके हैं। तो आगे ये रोड ट्रिप करने में बहुत ही मज़ा आता है, आपको बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। और अरावली की आपको पहाड़ियाँ भी रास्ते में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही ग्रीन दिखती है। और स्पेशली अगर आप बारिश के टाइम पे जाते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो आप लोग भी ये रोड व्यू एंजॉय करिए। Thank you.
खत्म हो गया, रात को पता ही नहीं चला। अब हम लोगों ने एक और हॉल्ट लिया है जयपुर पहुंचने से पहले, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाता है और गाड़ी को भी बीच में रोकना ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम एंटर कर चुके हैं जयपुर में, तो हम बस अब घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। और यहाँ पे ना दुकानों पे बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है। तो हम लोग पहुँचे थे धनतेरस वाले दिन, और आप लोग देख सकते हैं मार्केट में कितना रश है और कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं, और देखने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना कलरफुल था सब कुछ और लाइट्स वगैरह मिल रही थी, तो लोग अपने अपने घरों के लिए शॉपिंग करने कर रहे थे। और हम लोग भी अब कुछ देर में घर पहुंचने वाले हैं, और रात में बहुत ही सुंदर व्यू था, लाइट्स वगैरह लग गई थी, सबने अपने घरों पे लाइट्स लगा ली थी। तो कुछ ऐसा था हमारा ट्रैवल दिल्ली टू जयपुर के लिए। और हम लोग घर पहुंचने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद आगे दिवाली की तैयारियां करेंगे। तो दिवाली का भी व्लॉग आप लोग देखिएगा, मैं ज़रूर डालूँगी, छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है तो वो भी आप देखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए।